जनवरी माह में बन रहे इस राजयोग से चमकेगी इन तीन राशियों की किस्मत। नमस्कार प्रिय साथियों, आप देख रहे समय संकेत और मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो साथी। जी हां प्रिय साथियों, वैसे तो नव वर्ष के अंदर बहुत सारे शुभ योग राजयोग बनने जा रहे हैं जिससे लगभग हर राशि को लाभ मिलने वाला है, लेकिन हम इस साल के पहले ही माह में बनने वाले राजयोग गज केसरी योग की बात करने जा रहे हैं, जो कि 18 जनवरी को शुरू होगा और 20 जनवरी को प्रिय साथियों समाप्त हो जाएगा। गुरु और चंद्रमा की युति से बनने वाले इस गज केसरी योग, इस राजयोग का लाभ किन किन राशियों को मिलने वाला है, आइए जान लीजिए प्रिय साथियों। सबसे पहले 18 जनवरी को चंद्रमा मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे, जहां पर पहले से ही बृहस्पति विराजमान है, और यहां पर गुरु चंद्रमा की जो युति बनेगी उससे निर्माण होगा गज केसरी योग का। और इसके साथ साथ 18 जनवरी को ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने जा रहा है। अब आप समझिए, उसी दिन गज केसरी योग, उसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग। गज केसरी और सर्वार्थ सिद्धि योग वो हैं जिनकी शक्ति बड़ी अपार है, कहते हैं ना गज के समान, हाथी के समान, जिन्हें कोई सीमा नहीं है। आप अपने सूझबूझ से, बुद्धि से इस समय के अंदर इस गज केसरी योग राजयोग से बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। किन किन राशियों को लाभ मिलने वाला है? सबसे पहली राशि मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि। प्रिय साथियों, इन राशियों को क्या क्या लाभ मिलेगा और ये राशि वाले क्या क्या करने वाले हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप कैप्शन में जाकर पढ़ना ना भूलिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।